भी होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भरना नहीं, छुपती है फिर वफा एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया। बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तो प्यार लफ्जों में काम। चलो आओ कुछ पीते हैं। जिस लड़की से प्यार नहीं उसे शादी कैसे कर सकते, पागल हो गए? हाँ, मैं ये पागलपन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी और को ब्लेम ना करना पड़े। इस तरह अधूरी बातें करके दिमाग खराब ना करें मेरा, बैठकर कोई ना कोई हल निकालते हैं इस मसले का। मेरी ये मजबूरी है करीम, मुझे शादी करनी पड़ेगी दीदम से। कोई इंसान कभी मजबूरी में शादी करता है क्या? बर्बाद कर देंगे अपने आप को। बर्बादी तो शुरू हो गई करीम, मेरी जिंदगी भी बहुत अजीब है। जो कुछ मैंने नहीं किया उसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि हम बड़ों की सजा उस बच्चे को मिले। मेरे तो समझ से ही बाहर है। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मजीद कुछ नहीं कहना मुझे, जैसा हो रहा है होने दो। आपको हार तस्लीम करना जेब नहीं देता। हार नहीं मानी मैंने, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। मतलब आपने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया? अच्छा तुम बताओ उस बच्चे का क्या होगा? हाँ, कौन अपनाएगा उसे? उसका क्या जुर्म है? अबे क्या हो गया है तुम्हें, कुछ बताओ। कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस बात की बेचैनी है, क्यों चले जा रही हो इधर से उधर। चुप रहो तुम, कुछ सोच रही हूँ। कुछ उल्टा ही सोच रही होगी तुम। आज के बाद उस मुराद के ऑफिस में हयात काम नहीं करेगी। कल से तुम वो जॉब छोड़ रही हो, और जाके बता दो उसे कि तुम सोलो प्रैक्टिस नहीं हो। उसे भी पता चले कि तकलीफ पहुंचाना कैसा होता है। चलो इस बार तुम हंसी तो सही, जो एडवांस सैलरी ली है वो कौन वापस करेगा? ओह, वो तो वापस करनी होगी। हाँ जानती हूँ, खाम खाम पैसे ले लिए तुमने उस मुराद से। अच्छा जोक था कि ये दवाई कुछ ज्यादा ही असर कर रही है तुम। वाह क्या बात है, तुम पर तो किसी चीज का असर हो ही नहीं रहा। अच्छा अब हंसना छोड़ो और ये सोचो कि हम इस एडवांस सैलरी के मसले को किस तरह हल करें। कहाँ जाएंगे पैसे? मुझे अपनी जॉब पर जाना होगा। तो क्या करोगी, उसका सामना कैसे करोगी? अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा इस मसले का। मुझे ये जॉब करनी ही होगी क्योंकि तुम उस कंपनी से एडवांस ले चुकी हो, और तुम हरगिज नहीं चाहोगी कि तुम इस कंपनी को धोखा दो। तुम ठीक कर रही हो हयात। क्या ठीक है इसमें? एक तो ये सोना प्रैक्टिस की जगह जॉब कर रही है, और अगर एडवांस लिया भी है तो क्या हुआ, उन्होंने खरीद तो नहीं लिया ना इसे। देखो मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम एक दूसरे को देख सकते। हम गए किस काम से थे फरीदे और वो क्या गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस्मत की बात है, अगर बाप ऐसा है तो मैं ये सोच रही हूँ कि बेटा भी अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं उसका बेटा कवारा ही ना रह जाए। तू भी ना फरीदे, मैं समझ गई तेरी बातों, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। क्या हुआ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? किसका फोन आ गया है? हेलो जी, कामरान भाई। जी जी कहिए। अच्छा उन्होंने लड़के से बात कर ली है, और वो कल हमारे घर आना चाहते हैं, और किसी खास मौजू पे बात भी करनी है उन्होंने। जी जी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए घर हमारे, मुझे तो बहुत खुशी होगी। जी जी वो कल ही आ जाएं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कुछ खबरी है, कुछ खबरी।
उन्होंने अपने बेटे से बात कर ली है और वो कल ही हमारे घर आ रहे हैं रिश्ता लेने के लिए। कामरान साहब जिंदाबाद, कामरान साहब जिंदाबाद, मुबारक हो है मेरे कामरान साहब ने काम कर दिया। ये खड़ा है तुम्हारे सामने, गेस करो जरा। एक मिनट बताती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी शैतान, नहीं मैं बताती हूँ, तुम्हारे सामने इन फ्यूचर मुराद की वाइफ खड़ी है। मुराद और मैं शादी कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना तुमसे, मुराद अब हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। दीदम जीत गई, हयात हार गई। दीदम के सामने मुराद भी हार गया है। तो तुमने मुराद को अपने जाल में फंसा ही लिया, बहुत खूब, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। आज तुम बहुत खुश होगी ना, जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। है तो मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? क्या कर रही हो, लग रहा है तुम्हारी मक्कारी करने पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करूं। तुम्हारे दो चेहरों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें लगा कि तुम अपनी धोखेबाजी के किस्से मुझे आकर सुनाओगी और मैं खुशी से पागल होकर तुम्हें गले लगाकर मुबारकबाद दूंगी। अगर मेरी जगह कोई भी होता ऐसा ही करता, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी जगह मेरा कोई अपना होता तो एक लगाती उसे, फिर पता चलता। हाँ अब तुम हद पार कर रही हो। हदें तो तुम पार कर चुकी हो दीदम। मुराद को पाने के लिए बहुत घटिया काम किया है तुमने। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम्हारी जैसी औरत भी हो सकती है जो अपनी अनाव तकबर के खातिर किसी को भी धोखा दे दे। तुम्हारे लिए तो ये सब एक खेल है। मगर एक बात याद रखना कि मुराद तुमसे प्यार नहीं करता। तुम गलत कह रही हो, मुराद अब मुझसे बहुत प्यार करता है, अब हर चीज बदल चुकी है। तुम्हारी गलत फहमी है, कुछ नहीं बता दीदम। हाँ मगर मैं जरूर बदल गई, अगर अभी भी नहीं बदली तो बहुत देर हो जाएगी। आज के बाद एक नया चेहरा देखोगी तुम, जैसी तुम हो वैसे ही मिलूंगी। जा सकती हो तुम, कहना क्या चाहती हो तुम? जो लोग किसी को बिला वजह परेशान करते हैं उनकी मासूमियत से फायदा उठाते हैं उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। ओके तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुअल, इसका एहसास तुम्हें बाद में होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पे कोई असर नहीं होगा दीदम। जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से, तुमने दूसरों को दुख पहुंचाया है, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, याद रखना तुम। हाय तो कितना प्यारा बेटा है मेरा। अरे मेरी प्यारी दादी, क्या बात है दादी जान, बड़ा प्यार आ रहा है इसको। अरे बहुत अच्छा किया जो तू भी यहाँ आ गया, मैं तुम दोनों को बहुत चाहती हूँ। अल्लाह ने कितने प्यारे बच्चे दिए हैं मुझे। खुश रहो, जीते रहो, माशाल्लाह। नजर न क्या दर, मेरे इतने अच्छे परफ्यूम पे आपने क्या कह दिया? वैसे अक्सर लड़कियां मुझे मिल्की मैन कहती हैं। डैड और दारिया मॉम नजर नहीं आ रहे, वो लोग बाहर डिनर पर गए। ओके मैंने भी तो आने से पहले फोन नहीं किया। क्या हुआ, क्या बात है? अपनी जिंदगी का एक फैसला सुनाना था, सब होते तो अच्छा होता। मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही कहता। और एक और बात बता दूं तुम्हें, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है जो तुम्हारी माँ क्रॉस कर चुकी है। बस करो यार, हम यहाँ अच्छा टाइम गुजारने आए हुए हैं, और वैसे भी वो मेरी माँ है यार, समझो मेरी बात। और मेरे साथ वो जो नाइंसाफी करती है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अच्छा बाबा समझ गया, वो जब भी अब कुछ कहेंगे तो उनसे मैं बात करूंगा।
अब ठीक है? अब इस खूबसूरत टाइम को खराब मत करो प्लीज। खैर इस वक्त तो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। और वैसे भी अब तुम्हें कुछ तो बुद्धिमानी दिखानी चाहिए। तुम दादी और मैं दादा बनने वाला हूँ। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो दादी बनूंगी। तुम दादा बनने वाले हो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं ना भाई? तूने इसे कभी मजाक करते हुए देखा? आप वाकई उससे शादी करने वाले हैं? ऐसा ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं, कैसा फैसला करने जा रहे हैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ध्रुव। क्या मतलब है तुम्हारा, ये हल निकाला है तुमने इस मसले का? दादी मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मुझे सिर्फ उस बच्चे की फिक्र है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने किया है। बार बार पोते की रट ना लगाए रखती, इतना शौक ना होता मुझे तो ये दिन आज ना देखना पड़ता। हर वक्त एक ही रट, जाने कौन सा वक्त कबूलियत तक। दादी आपको ये बात तो दुआ मांगने से पहले सोचनी चाहिए थी। एक ही तो दुआ हर वक्त मेरे मुंह पे रहती है कि तुम्हारे और मुराद के बच्चों को अपने हाथों में खिलाऊं, तो कसूर तो मेरा ही हुआ ना। आईपैक जल्दी से यहाँ आओ, खाना बनाने में मदद करो हमारी, जल्दी आओ। कहिए क्या काम है, इतनी रात को मुझे बुलाया है? कोई खास बात ही होगी। लेकिन क्या खास बात हो सकती है, आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं किसी को कि क्या करने वाले हैं आप। मेरी प्यारी बच्ची, हम लोग तुम्हारी पसंद का खाना बनाना चाहते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। वाह, बहुत पॉपुलर हो गई हूँ मैं। लेकिन चक्कर क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हाय मेरी चांद सी प्यारी बेटी, तुम्हें तो मालूम है हयात मुझे कितनी प्यारी है, और तुम भी चाहती हो ना उसके लिए जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। मेरी प्यारी आई, मैंने हयात के लिए एक रिश्ता ढूंढा है, मगर इस बात का ख्याल रखना तुम कि हयात को बिल्कुल पता ना चले, और अगर वो पूछेगी कि ये लोग कौन हैं, तो हम ये कह देंगे कि तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं, तुम भी उसे यही कह देना। अरे वाह वाह, क्या कहने, मुझे लगा कि आप लोग मुझसे मशवरा मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग तो पहले से ही सब कुछ तय कर चुके हैं। चले कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। रिश्ता पक्का समझिए, काम हो जाएगा आंटी, मैं अपनी दोस्त की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्या बात है आईपैक, मुझे मालूम था तू मेरा साथ देगी, शाबाश मेरी प्यारी बच्ची, शाबाश। चले ठीक है, मैं अब हयात के पास जा रही हूँ और उसे बताती हूँ कि मुझे कोई देखने आ रहा है, तो वो भी अपनी राय दे, इस बहाने वो लड़के को देख ही लेगी। अगर मेरे लिए उसे लड़का पसंद आ गया तो यकीनन वो उसे खुद भी पसंद करने लगेगी। देख हाइपिक, हयात को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले, वरना वो बहुत नाराज होगी, तू तो जानती है उसे। बेफिक्र रहे, नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसे, सब कुछ तेरे हाथ में है। वैसे और क्या क्या प्लान है आपके? मैंने कह दिया उसे कि आप फिक्र ना करें, हयात को कुछ पता नहीं चलेगा, हयात क्या उसकी रूह को भी नहीं पता चलेगा। मैं भी सोचूं इतनी रात को ये क्या कर रही है, पक्का प्लान है उनका, ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता। बहुत तेज है अम्मी आंटी, अब पीछे नहीं हटेगी। क्या कह रही हो, यानी अब ये इरादा कर चुकी है कि मेरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी? वैसे मैं भी अब थक चुकी हूँ, कब तक अम्मी को इनकार करती रहूंगी, कब तक भागूंगी हकीकत से। एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुम्हें हयात, अगर तुम किसी दिन सोकर उठो और तुम्हारे सामने तुम्हारे 3-4 बच्चे हो, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमन आंटी की बेटी हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ किस दर्द से गुजर रही हूँ, ये बात मैं अम्मी को बता भी नहीं सकती, मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही हूँ अम्मी जान। वो भी क्या करे, वो भी बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है ना, और वो कर भी क्या सकती है हया। क्या किस्मत है, देखो तो सही, मुराद की शादी होने वाली है और मेरी भी, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, क्या बात है। एपिक, तुम ही कम से कम उन्हें मना कर देती कि आंटी इसका कैसा कुछ मत सोचिए, और तुम तो इसकी हालत से वाकई बहुत चिंतित हो। तुम क्या चाहती हो, क्या कहती मैं उनसे कि आपकी बेटी को उसके बॉस से प्यार हो गया, अब ये किसी और को सोच भी नहीं सकती, उन्हीं के बच्चों की माँ बनेगी, और आप इसकी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दें। एपिक,
बस करो, तुमसे कोई काम सीधा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे सारे काम उल्टे हैं। तुम्हारा बहुत ठीक है, वैसे कमाल है ना, इतनी परेशानियों ऐसे में सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। क्या ख्याल है कि गांव चलते हैं, वहां जाके एक नई दुनिया बसाते हैं जहां अपनी मर्जी से जिए, खूब मस्ती करते हैं जाके। क्या करना इन परेशानियों को अपने सर पर लेकर, क्यों क्या ख्याल है, क्या कहती हो यार, हम चले। बिल्कुल सही, सही कहा, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि सभी आसान हो गई। मेरा बाबू चहल शबीला, मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, और असली अगर तुम्हारी दवाई ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बीमार डालूंगी। अभी तक नहीं सोई अम्मी आप? कैसे सो जाऊं मैं निजात? अल्लाह सबको औरत के शर से बचाए, उस लड़की ने हमारे बच्चे को धोखे में रखा, मेरे मासूम बच्चे की शराफत का फायदा उठाया उसने। जो हुआ सो हुआ, अब हमें आइंदा का सोचना चाहिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मेरे प्यारी अम्मी जान, मुराद एक समझदार लड़का है, मैं जानता हूँ वो कभी गलत फैसला नहीं लेगा। आप भी टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले अब चल के सो जाए, चलिए। भाई मेरे ख्याल से शादी के बाद आप और दीदम नहीं आ जाए, हम सब मिलके रहेंगे जैसे इटालियंस रहे, बहुत मजा आएगा यकीन करें। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा आइडिया है। मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी थी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी। मुराद क्या मतलब है इसका, तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी है? ये मेरा फैसला नहीं है दादी अम्मा। क्या मतलब है, क्या निकाह भी एक दिखावा होगा? नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोगों को तो यही बताना है कि दीदम और मेरी शादी हो रही है, और ये बात दीदम की फैमिली को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को तकलीफ हो। और हाँ ध्रुव, एक बात का खास ख्याल रखना कि ये एक प्राइवेट फंक्शन है, वहां पे मीडिया का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, अब उसकी फैमिली से बात करने का वक्त आ गया है। और शादी को लेकर दीदम तो बहुत एक्साइटेड है, तो शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बड़ी हूँ और सारे काम संभाल लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जाने से पहले उसके घर वालों का नंबर दे देना, मैं खुद कॉल करके बुलाऊंगी उन्हें। जी ठीक है दादी। मेरे ख्याल से आपको सारे इंतजाम जल्दी करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शादी और बच्चे के मुबारक लोग एक साथ देने आ जाए। तुम्हारी कदमों की आवाज सुनकर मैं पहचान गई थी कि वो बहादुर लड़की आ रही है, जिसका नाम हयात है। क्या हाल है, कैसी हो, क्या चल रहा है? ठीक हूँ मैं बिल्कुल, और बहुत खुश भी, इतना के बता नहीं सकती। बस करो, ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। तुम ये सब बातें करके दूसरों को धोखा दे सकती, लेकिन मुझे नहीं। ना मेरी आंखों में देखो जरा, आंखों में ही तो देख रही हूँ मैं। नाउ तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं, इनमें एक ऐसा दर्द छुपा है जो तुम्हारे अंदर बस चुका है। बहुत गमगीन हो तुम इस वक्त, भागना भी चाहो अगर इससे तुम, तो भाग नहीं पाओगे। अब चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊं, मुझसे अब सांस नहीं लिया जा रहा। मुराद और दीदम शादी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हाय मेरी जान, मेरी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा प्लीज जो भी बात हुई है आप किसी से मत कहिएगा, मुराद सर से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को और नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मैं क्या करूं, तुम तो जानती हो मुझे कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मुंह से निकल जाएगा। प्लीज टूवल मैडम, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बोलती हूँ, चिट चिट करती रहती हूँ? मैं जानती हूँ कौन सी बात बताने वाली है कौन सी, तो परेशान मत हो, आप बहुत अच्छी हैं। सही कहा, वो तो मैं हूँ लेकिन इमोशनल भी हूँ थोड़ी सी, खास तौर पर वो लोग जिनको मैं चाहती हूँ उनके साथ अगर बुरा हो रहा होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई लव यू। अरे कैसे बात करती हो यार, अब अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बहुत पसंद करने लगी हूँ यार, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। अच्छी हो तो अच्छी लगूंगी ना। सही क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग सर। कल आप आए नहीं थे तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या कुछ मीटिंग्स कैंसिल कर दूं? कोई मीटिंग कैंसिल मत करो, सारी मीटिंग्स लाइन अप कर लो लेकिन आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद? तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ गायब है? वो यही है, कॉफी भिजवाऊं आपको? ये नहीं, रहने दो, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। बॉस की तबीयत ठीक नहीं, कॉफी कैंसिल कर दो। क्या हुआ इन्हें? टूवल मैडम, ये ब्राइड ड्रेसेस के कुछ डिजाइन्स हैं, इन्हें देख लो। तीन डिफरेंट किस्म के मैगजीन्स हैं, 15 दिन में मुझे इसके 3 सैंपल्स तैयार चाहिए, तो अभी से काम शुरू कर दो। टूवल, कुछ कहा किसी ने? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? किसी ने बुलाया मुझे? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ओह अच्छा, तुम भी खड़ी हो? मुझे लगता है तुम अभी तक होश में नहीं हो टूवल मैडम। तुम्हारे सामने इस कंपनी के मालिक की होने वाली बीवी खड़ी है और उस हिसाब से तुम्हारी बॉस भी हूँ, और आगे से तुम मेरा ही हुक्म मानोगी। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम कुछ भी नहीं थी, ना शक्ल थी ना ही कॉन्फिडेंस, कुछ भी नहीं थी, तो तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर ये सारी चीजें किसी और पर आजमाओ तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। एक तो मुझे, हाँ तुम एक चिपकू बन के मेरे पीछे पड़ गई हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे सारे उल्टे सीधे काम कर दूं। वो वक्त तुम भूल गई हो, मेरी मदद करो, मुझे मॉडल बना दो प्लीज। उस वक्त के नाटक से वाकिफ हो मैं अच्छी तरह से, भूली नहीं हूँ कुछ भी। तो प्लीज, और नहीं, मुझे जितना तर्ज तुम पे खाना था मैं खा चुकी। मुझसे मत कोई उम्मीद रखना कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगी, क्योंकि मेरा नाम टूवल, समझी? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, समझ गई तुम? कान खोल के मेरी बात सुनो, अच्छा रहेगा। तुम मुराद को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो तुम्हें काट के तुम्हारा बारबेक्यू बना के पूरे ऑफिस को खिला दूंगी। इन सब बातों का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, मेरे कपड़े डिजाइन करो, सुन लिया तुमने? यस। ये क्या ले आई? ये रहा आपका नाश्ता। चाला ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तुम तो नहीं चाहोगी कि मैं ठीक हो जाऊं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगर आप बीमार होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बाद में खाऊंगा मैं। जी ठीक है। मैं एक एडवाइस चाहता हूं तुमसे। कौन सी एडवाइस?
वो दीदम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, तो मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े फालतू लोगों के लिए नहीं है। निकलो, अगर मेरे सामने खड़ी रही तो तुम्हें काट काट के अपने सारे डिजाइन किए हुए एक एक कपड़े का बदला लूंगी। और फिर तुम्हें भी साथ साथ काट डालूंगी, और उसके बाद तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर ऑफिस में घूमती हुई नजर आओगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शुश। उसने फिर से टेस्ट करवाया था कल। दीदम वाकई प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए हुए भी एक महीना हो चुका है। शायद अब एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मगर इसलिए कि किस लिए? तुम इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? ये मेरी जॉब है। हयात में अपनी जाती जिंदगी के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। कल जब मिली थी तुम तो एक अलग ही लड़की लग रही थी, और तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी। बताओ। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस बात को ना जाने। हमें एक जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। जी क्यों नहीं। मेरा गुस्से से दिमाग फटा जा रहा है। अब क्या हो गया दीदम? टूअल, उसने मेरे कपड़े डिजाइन करने से मना कर दिया है। तुम सोच सकते हो उसने मुझे मना कर दिया। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि वो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करे। क्या मतलब? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस डिजाइनर को छोड़ के किसी और डिजाइनर को ढूंढू? तुम उससे रिक्वेस्ट करो ना, तुम्हारी तो दोस्त भी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी दोस्त है, मगर एक बात याद रखो, टूवल एक आर्टिस्ट है और हमारे ड्रेसेस को डिजाइन करना उसकी जॉब का हिस्सा नहीं। इसलिए दीदम, इस बात के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब नाश्ता कर लूं मैं। जी बिल्कुल कर लीजिए। आज शाम तुम मेरे साथ डिनर करने वाली हो, ठीक है? यहाँ क्या कर रहे हो? काम नहीं करने दोगे मुझे? और तुम्हारा वाला खाना खाने के लिए मैं तैयार हूँ। जाओ पहले अपने हाथ से खाना बना। तुमने तो मुझे हल्की आंच पे पकाना भी शुरू कर दिया है, वो भी हरे मसाले लगा के। और अब मेरा दिल करता है कि तुम्हें पकाऊं और मजे से खा जाऊं, मगर तुम कमजोर हो, मेरा पेट नहीं भरेगा। अच्छा, तुम्हें मैं कोई खाने की चीज लगती हूँ तो जाओ चिकन के साथ डिनर कर लो। या तुम समझ क्यों नहीं रही हो, हम दोनों का प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए? बस बस करो करीम, तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ कि मेरे सामने ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं किया करो। ठीक है, हम प्यार की बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ जाकर खाना तो खा सकते। कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो चलकर कहीं अच्छी सी जगह पर खाना खाते हैं। नहीं, आज जाना मुमकिन नहीं है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखो मेरी तरफ। बता तो दिया है तुम्हें। क्या बता दिया? ये क्या कर दिया? जो तुमने सुना है वही बात है। ये नहीं हो सकता। एफएक, ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे कोई इस तरह छीन नहीं सकता, कह दो ये सब झूठ है। क्या कर रहे हो? देखो तुम, ऑफिस है ये। पूरी बात सुनी है तुमने? मेरे लिए नहीं आ रहे वो लोग, असली को देखने आ रहे हैं। तुम्हारा मतलब वो लोग मेरी साली को देखने के लिए आ रहे हैं, मगर असली ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शर्मीली लड़की है बेचारी, ऐसे थोड़ी ना बताएगी।
सर साइन कर दें। थैंक यू सर। चाला कहाँ है? चाला तो चली गई, काफी देर हो गई उसे गए हुए और उसने शायद आपको बता भी दिया था। हाँ उसने बताया था मुझे। आप क्या कर? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उससे कहा था कि शेड्यूल में चेंजेस नहीं आने चाहिए क्योंकि हमें देर तक काम करना होगा। अब कैसे मैनेज होगा? कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगी। असली? अरे करीम कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, वैसे सब खैरियत तो है ना? हाँ वो बस चेकअप के लिए आया था, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है मुझे लगता है कि तुम भी वही सोच रही हो। इसका क्या मतलब? मुबारक हो मेरी लाडली साली, इधर आओ। हुआ क्या है? शादी कर रही हो? मैं शादी कर रही हूँ? तो मुझे ही नहीं पता, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये तो मैं तुमसे सुन रही हूँ। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरी शादी तय हो गई, माँ क्या बात है? क्या मतलब, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं तो? कोई नहीं है, आसपास के मोहल्ले में भी नहीं है क्या? बताओ। नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वाकई? हाँ सच कह रही हूँ, लेकिन करीम ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बताओ मुझे कल कौन आ रहा है तुम्हारे घर? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान बताओ मुझे, कौन? लड़के वाले हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ तुमसे, वो लड़के तुम्हें देखने नहीं आ रहे तो फिर किसको देखने के लिए आ रहे हैं? बताओ मुझे, एपिक के लिए आ रहे हैं क्या? मुझसे मेरी जान छीनने के लिए आ रहे हैं ना? एपिक को लेने के लिए आ रहे हैं ना? वो मुझे देखने आ रहे हैं ना एपिक को देखने आ रहे हैं, बल्कि वो हमारी तीसरी दोस्त एमिली आंटी की बेटी को देखने आ रहे हैं। कसम खाओ? तुम्हारी जामनी टाई की कसम। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे लगा एपिक को देखने आ रहे इसलिए गुस्सा आ गया। क्या ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। चलो अपना चेकअप करवा लेता हूँ। अच्छा तो फिर मिलेंगे। हाँ डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, सख्त इलाज की जरूरत है इसमें, वाकई बहुत जरूरत है। एपिक तुमने तो मरवा ही दिया था। दादी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, और आप ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। भाई की शादी की रट लगाई हुई थी आपने, अब देखें शादी हो तो रही है उनकी। हाँ बिल्कुल, अच्छा होता कि अपने मुंह पे टेप लगा लेती और ऐसी बातें ना कहती। यानी आपको दुख हो रहा है? चले अब आप मेरी शादी की दुआ तो नहीं मांगेंगी, यानी अब मैं आता। फिक्र मत करो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुराद के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। उफ भाई उफ, आपने मुझे तो फंसा ही दिया। वो तुम्हें क्या फंसाएगा, वो तो खुद फंस गया है। अब भर जाना तो भरना पड़ेगा, अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। निजात लड़की वालों का नंबर तुम्हें दे के गया होगा मुराद, लाओ मुझे दो। उस लड़की से तो मैं मिल चुकी हूँ, पता नहीं उसके घर वाले। अच्छा खैर तुम नंबर दो, मैं बुलाऊं उनको बात तय करने। मैंने बात कर ली है उनसे अम्मी जान, वो कल शाम आने का कह रहे हैं। ये क्या बात हुई, उन्होंने यहाँ आने का टाइम खुद ही तय कर लिया? अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में उन्हें, जब मैंने उसके बाप को फोन किया तो वो खुद ही बोलता रहा, मेरी तो सुनी नहीं, और अपनी बात बोल के कल आने का कह के फोन रख दिया। ये बातें मर्दों के तय करने की नहीं है। तुम उसकी माँ का नंबर मिला के दो मुझे, मैं खुद बात करती हूँ उससे। लाओ नंबर। ये लीजिए। हेलो। हेलो आप अस्मा खातून बात कर रही हैं? अब तुम अस्मा को मिलाओगी तो अस्मा ही बात करेगी ना। वैसे सोफिया तुम आवाज बदल कर बात क्यों कर रही हो? नहीं सोफिया नहीं हूँ मैं, मैं अजमी बात कर रही हूँ, मुराद सरसर मास की दादी। दादी अम्मा, मुराद की दादी? आप अभी तक जिंदा हैं, मुझे खुशी हुई। मेरी दुआ है कि आप और लंबी जिंदगी जिए। मुराद के बच्चे भी देखिए आप। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हीं के बच्चे देखने के लिए तो अब तक जिंदा हूँ। आपको तो मालूम ही होगा हम लोग आपके घर आना चाह रहे थे, बाकायदा मुराद का रिश्ता लेकर। आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, इतना सफर करेंगी थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और मर गई तो शादी लेट हो जाएगी। और आप ऐसा नहीं चाहेंगी ना कि शादी लेट हो जाए। मैं एक आइडिया देती हूँ, अभी हम लोग आ जाते, नेक्स्ट टाइम आप लोग आ जाइएगा। लड़की वाले पहले थोड़ी आते? आ सकते हैं, अब जमाना बदल चुका है। वैसे भी अब आना पड़ेगा क्योंकि हमारे टिकट्स बुक हो चुकी है। टिकट बुक हो गई? हाँ ना, शॉपिंग तो कर
करनी है वहाँ। खैर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। हाय, उसकी माँ तो उससे भी चार हाथ आगे है। अल्लाह माफी दे, कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं हम लोग निजात। ये वाला अच्छा लग रहा है। हयात प्रैक्टिस जी, कहिए। क्या भरोसा कर सकता हूँ तुम पर, क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो और बहुत अच्छी दोस्त भी। शुक्रिया करीम, मुझे लगता है कुछ उल्टा हो गया है। आओ। अच्छा तुम एपिक और असली की एक और दोस्त को जानती हो क्या, वो लड़की जो एमिन एंटी की बेटी है? नो 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 नो, मुझे नहीं पता। मतलब पता है मगर बहुत ज्यादा नहीं, हम इतनी क्लोज नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर तो जरूर होगा, मुझे दोस्त से कुछ बात करनी है। मुझे पता तो लगाऊ माजरा क्या है। नहीं मैं नंबर नहीं दे सकती, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मुझे वैसे भी ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं, और वो लड़की इतनी अच्छी भी नहीं कि उसे अपना दोस्त बना लिया जाए। ऐसा है क्या? इसका मतलब वो एपेक और असली को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को उन दोनों के साथ कभी नहीं देखा। असल में वो लड़की काफी चेंज है, हम लोगों से जेलस भी होती है वो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसे इतना पसंद नहीं करते। और वो तो यहाँ पर है भी नहीं, काफी दिन हो गए हम लोग उससे नहीं मिले। अच्छा यानी वो शहर में नहीं है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना मुझसे? हाँ वाकई करीम, वो चली गई है, काफी दिन हो गए हैं और अब पता नहीं कहाँ होगी। प्यार लफ्जों में कहा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ऐसे ही किसी से शादी करवा देंगे उसकी। अगर करीम इस वक्त तुम्हें यहाँ बैठा देख ले। अरे करीम बेटा कैसे हो, खुश आमदे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे, छुपाने की जरूरत नहीं है। शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। और तो का काम होता है, बस बोल दीजिए ब्ला 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 ब्ला। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे तो लड़ाई करना फर्ज हो गया। ये टेलीविजन बंद कर दीजिए आप दोनों की।